सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी फर्स्ट मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव चैप्टर है आपका 7 लेकर आ गया हूं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। बहुविकल्पी प्रश्न डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अति लघु टिक लगे हैं जितने तैयार कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लघु 3 में आपको बता देता हूँ, पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्मजीव किस प्रकार मदद करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। बहुत छोटा चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। प्रतिजैविक क्या है, इनका महत्व बताइए। बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग लिखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है बायोगैस के उपयोग। अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिएगा, पूरा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक सॉल्व मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जैव उर्वरक, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। दीर्घोत्तरी में चलते हैं, वाहित मल उपचार के विभिन्न चरण लिखिए, इम्पॉर्टेंट है। और अगला है लास्ट, मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों के उपयोग उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग सहित उदाहरण कीजिए। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। तो आपका चैप्टर ये इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया है। आपको सारा सॉल्व लिंक इसका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर का नाम था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, बहुत छोटा चैप्टर है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। हम आपको इसी वीडियो में अगला चैप्टर बता देते हैं। अगला चैप्टर का नाम है चैप्टर 8 लास्ट चैप्टर, जैव विविधता एवं संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से देख लीजिएगा, जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर 8 बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर 8। इसका दोनों का चैप्टर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुविकल्पी प्रश्न मैं बता दूंगा आपको, हमारे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अति लघु इम्पॉर्टेंट जितने हैं टिक लगे हैं, बहुविकल्पी सब टिक लगे हैं, तैयार कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनका। लघुत्री बताने चलता हूँ मैं आपको। अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं, भारत में अभ्यारण्य हैं, भारत में कितने अभ्यारण्य हैं, तैयार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों का सीमांकन किस प्रकार किया जाता है। रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, उपयोगिता बताइए। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। संकटग्रस्त प्रजातियाँ, ये चैप्टर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। कुछ विलुप्त वन्य प्राणियों के विलुप्त होने के कारण लिखिए। वन्य प्राणी उत्पादों के लिए मनुष्य का लोभ टिप्पणी लिखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति से मानव से प्राप्त होने वाली प्रत्यय लाभ बताइए। प्रत्यय लाभ मतलब सकल लाभ बताइए, जिससे मानव निर्मित को फायदा होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। वन्य जीव तथा इनकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व पर टिप्पणी लिखिए, जैव विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखे जहाँ भारतीय गैंडे संरक्षित हैं, राष्ट्रीय उद्यान और प्राणी विहार में अंतर बताइए, ठीक है ना, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य प्राणियों के बाह्य उत्थान एक्ससीटू तथा और स्वस्थान इन सीटू संरक्षण में अंतर बताइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ससीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अगला है आपका, सिंध गंगा प्रदेश इंडो गैंजेटिक प्लेन के विस्तार का वर्णन कीजिए तथा इनमें पाए जाने वाले 2 वन्य जीवों का उल्लेख कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जैव विविधता बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग आंसर भी पूछा जा सकता है 5 नंबर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। जैव विविधता क्या है, इनमें हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, जैव विविधता पर क्षति के कारण कीजिए, अथवा करके जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण के 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे तैयार कर लीजिएगा।
लास्ट ही क्वेश्चन था आपका, पूरा ये इसका डिस्क्रिप्शन देखिए कितना बड़ा है, बट आसान है, केवल भाषा तैयार कर लीजिएगा तो आपको पूरा सॉल्व हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको इस वीडियो में चैप्टर 7 बता दिया मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव, और चैप्टर 8 भी बता दिए जैव विविधता एवं संरक्षण, दोनों चैप्टर इसी वीडियो में बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों चैप्टर का चैप्टर वाइज लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। तो दोनों चैप्टर मैंने आपको बता दिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नए चैनल का भी लिंक है, वहाँ से आप जाके उसे भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ओम।